मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने कब तक एक बार भी सच नहीं बोला? लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, प्रधानमंत्री का हम कैसे विश्वास कर ले? प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता हो हम उसका कतई विश्वास नहीं करते। किसानों के खिलाफ जो संसद में जबरदस्ती विधेयक आया है उसके हम खिलाफ है। सारे किसान पंजाब का, हरियाणा का, हम हरियाणा से आए हैं, हम खिलाफ है इस बिल के। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे 70 साल बाद किसानों को आजादी। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने कब तक एक बार भी सच नहीं बोला? लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, प्रधानमंत्री का हम कैसे विश्वास कर ले? प्रधानमंत्री जो झूठ बोलता हो हम उसका कतई विश्वास नहीं करते। नहीं, आपको क्यों लग रहा है काला कानून? काला कानून है नरेंद्र मोदी जो कानून लाता है, सारे काले कानून लाता है। बड़े जनता के हित में एक भी काम किया हो तो आप बताइए हमें। भाई हमने चाहिए इंसाफ, चाहिए हमने। सारे बेरोजगार हो रहे हैं, ये सारा यूथ सारे हम बेरोजगार है। जो बेरोजगार किसान अब अपना अनाज कहीं। प्रधानमंत्री ने रेल प्राइवेट कर दी, सारे हर चीज को प्राइवेट करने जा रहा है तो किस मोदी का हम विश्वास किस बात पे करें? आप ये बताइए, हम नरेंद्र मोदी का इस बात पे विश्वास कर ले? मोदी की जबान पे विश्वास नहीं। मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी झूठा मोदी। बीजेपी ये काला कानून है सर? किसान विरोधी कानून जो ये है बिल्कुल काले कानून है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट्स को इजाजत मिल जाएगी, वो जितना मर्जी चाहे स्टॉक कर सकते हैं। जो जमीनें हैं उनमें अपनी ही जमीन में किसान जो है वो मजदूर बन जाएगा। और जो एमएसपी की बात है और जो तमाम चीजें हैं इसमें पूरी तरीके से सरकार एमएसपी के लिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार कि एमएसपी रहेगा जारी। प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं लेकिन वो कितना सच साबित होता है आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो 15 लाख भी दिए थे और पे विश्वास नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ये विश्वास इसलिए नहीं है, प्रधानमंत्री झूठा है। और प्रधानमंत्री का विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने जो झूठा पुरानी जो हरकतें हैं उस बताती हैं। पुराने जो जिस प्रकार से उन्होंने नियम कानून बनाए और जो भाषण दिए और वास्तव में वो कितने सत्य साबित हुए कितने सत्य नहीं साबित हुए। 70 साल बाद आजादी मिली है, किसानों को कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं वो। प्रधानमंत्री जी तो देश को आर्थिक आजादी दे रहे थे, पूरा आतंकवाद खत्म कर रहे थे नोटबंदी करके, उसका क्या परिणाम हुआ? प्रधानमंत्री जी तो 20 दिन का लॉकडाउन करके पूरे देश को कोरोना मुक्त कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? और प्रधानमंत्री लेकिन ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था ना सर बिल? ये जिस तरीके से बिल पेश किया गया है, जिस तरीके से किया गया है बिल्कुल गलत है। और इन्होंने कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए, अच्छा, किसान की जमीन का, किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाएगा। और ये बहुत ही देश के प्रगति में, आज भी देखिए आप जब जीडीपी डाउन है तो केवल कृषि सेक्टर ऐसा है जो थोड़ा प्रगति कर रहा है, तो जो प्रगति है उसको भी छीन लेना चाहते हैं और किसान को मजदूर बना देना चाहते हैं और कॉर्पोरेट्स अपने साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जी जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं 15 लाख दूंगा, उसी तरह मैं बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, आपने जो एक काला कानून लाके किसानों को, हमारे जो किसान है उनको बर्बाद करने का एक काम किया है संसद में। आपने जो ध्वनि मत से ये पारित करा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। मैं यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, आप दिखा रहे हैं हम तस्वीर, देखिए जो देश में बेरोजगारी, जो किसानों का कानून आया उसको लेकर इन लोगों में भयानक गुस्सा है। आप देख सकते हैं लोग जो बिल पास हुआ उसको लेकर लगातार देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। आज यूथ कांग्रेस ने भी आंदोलन की पोल दी है। तमाम लोग
आज आप लोग सड़कों पे उतरे हुए, क्या क्या मांग है? जो युवा विरोधी सरकार ने जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, किसानों की हालत बद से बदतर है, इन्हीं सब के जवाब के लिए युवा कांग्रेस मैदान में है। सरकार तो कह रही है ये कानून बहुत अच्छा है, 70 साल बाद किसानों को आज़ादी मिलेगी। अब सरकार कह रही है पर इससे मंडी की जो व्यवस्थाएं हैं, मंडी को बढ़ावा मिलेगा और किसानों का इससे नुकसान होगा, मंडी को बढ़ावा मिलेगा। देखिए यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।